वेलकम टू वंदे भारत ट्रेन। नीव बगाए गांव जंक्शन में मोस्ट वेलकम है वंदे भारत ट्रेन का चमचमाती हुई। यहां तो इस्तकबाल कीजिए, नमन कीजिए ऐसी चमचमाती हुई वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत को मिल गई है नई वंदे भारत ट्रेन। आपको बता दें इसमें कई ऐसी सुविधाएं जो बाकी ट्रेनों से अलग है दोस्तों। ये पूरा ट्रेन आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन नहीं है दोस्तों, बिना इंजन की ये ट्रेन चलती है दोस्तों। आपको बता दें 16 वातानुकूलित चेयर कार कोच है दोस्तों। इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास का विकल्प भी है। हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन में भोजन का भी कीमत उपलब्ध है दोस्तों। वंदे भारत ट्रेन में ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा दी गई दोस्तों। ट्रेन में GPS आधारित उन्नत यात्री सूचना प्रणाली दिया गया दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने में सक्षम है दोस्तों, जबकि वर्तमान ट्रेक 130 किलोमीटर प्रति घंटे से सहायक नहीं है दोस्तों। यह नॉर्दर्न रेलवे में चलेगी दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई दोस्तों, जबकि एवरेज स्पीड मैक्सिमम 70 किलोमीटर बराबर से चलेगी दोस्तों। यह न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलेगी। न्यू जलपाईगुड़ी में 6:10 में सुबह में खुलेगी, जबकि 12 बजे ये गुवाहाटी पहुंच जाएगी। फिर गुवाहाटी से 4:30 बजे शाम में चलेगी और 10:20 जलपाईगुड़ी पहुंच जाएगी दोस्तों। आपको बता दें कि जय वैक्यूम शौचालय भी है इस ट्रेन में चमचमाती हुई। जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया का यह प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें 80% इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है दोस्तों। आपको बता दें भारतीय और पश्चिमी शैली के बाथरूम का उपयोग किया गया है। ट्रेन के सभी 16 डिब्बों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। रुकने पर ही खुलते हैं ऑटोमेटिक दरवाजे। जी दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ड्राइवर केबिन है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रेन में विकलांगों के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध है दोस्तों। ट्रेन डिजाइन अद्भुत, ड्राइवर के केबिन की झलक देख सकते हैं यात्री। जी हाँ दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है। वंदे भारत एक्सप्रेस का वेलकम करता है NF रेलवे। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन को टच कंट्रोल के साथ रीडिंग लाइट भी दिया गया दोस्तों। इसके अलावा भी वंदे भारत ट्रेन में बहुत सारे सुविधाएं दोस्तों। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिए बेहतर और सुरक्षित सवारी है। ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लग डोर, टच फ्री स्लाइडिंग डोर, एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग सीट, 32 इंच का पैसेंजर इंफॉर्मेशन, हर कोच में इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है दोस्तों। इसके अलावा कई तरह के सुरक्षा उपाय बाकी ट्रेनों से खास बनाते हैं। वंदे भारत को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मात्र 129 सेकेंड का समय लगता है। यानी आप बोल सकते हैं मात्र 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि वंदे भारत का ये 16 रेक वाली ट्रेन 1260 फीट लंबी है दोस्तों, जबकि 392 टन का वेट है दोस्तों। इसको बनाने में 120 करोड़ रुपये का खर्च आया दोस्तों। तो बाकी और अदर ट्रेन बनाने में 2 करोड़ रुपया खर्च आता है पर कोच। बट इसको पर कोच के हिसाब से देखें 16 कोच का बनाने में 120 करोड़ का खर्च आया दोस्तों। आपको बता दें कि अभी फिलहाल चेयर कार का ट्रेन चल रहा है। इसके बाद रेलवे का प्लान है कि स्लीपर यान भी ले आएगा दोस्तों। आपको बता दें कि अंत में 2023 के अंत तक जाते जाते वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी आ जाएगी। अभी फिलहाल चेयर कार आ रही है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार बाली ही वंदे भारत चलाई जा रही है भारत में। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत जी दोस्तों मॉडर्न इंडिया का मॉडर्न सोच का एक देन है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन, और ये बेहतरीन ट्रेनों में से एक है। राइडिंग डेस्क भी इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो वंदे भारत ट्रेन फिलहाल ये चलेगी पूर्वोत्तर भारत में। मोदी जी का सपना साकार हुआ दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के लिए भी ये वंदे भारत ट्रेन दे दिया गया दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं बोगेगांव जंक्शन पर ये ट्रेन ट्रायल रन के दौरान आई है दोस्तों। अभी हम आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन ये 16वां या 17वां वंदे भारत ट्रेन होगा, क्योंकि अभी फिलहाल देश में 16 वंदे भारत ट्रेन चल रही है दोस्तों। ये 17वां रूट पर वंदे भारत ट्रेन न्यू गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी दोस्तों। आपको बता दें इसमें कोच में सीट बर्थ सब कोच का अलग अलग है दोस्तों। किसी का 78 सीट है तो किसी का 52 सीट है। आपको बता दें कि चेयर जो सिंपल चेयर कार है 78 सीट वाली है दोस्तों, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार वाली में 52 सीट है दोस्तों। और इसके अलावा भी आपको दिखाए किसी किसी में 44 सीट भी है दोस्तों। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ द कोचेज बनाया गया दोस्तों। जी आपको बता दें बेहतरीन ट्रेनों में से एक है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।